हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है हमें पता है। जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। और जब हमारा वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने पानी रखा कंटेनर में, हमने इसको गर्म किया तो क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर इसके ऊपर से एक लिड लगी हुई होगी तो ये वापस वेपर फॉर्म से वापस क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए और वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लैटेंट हीट की ज़रूरत होती है। चूँकि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लैटेंट हीट किसे कहते हैं, लैटेंट हीट मतलब कि फेस चेंज होना। तो इन दोनों में ही क्या हो रहा है, हमारा वो हीट जो कि हमें फेस चेंज करते वक्त रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लैटेंट हीट कहते हैं। तो ये लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, लैटेंट हीट चाहिए। इसका फेज यहाँ पे चेंज हो रहा है और वेपर टू लिक्विड जब एक कन्वर्ट हो रही तो यहाँ पे भी हमें लैटेंट हीट चाहिए। तो अगर हमें प्योर सब्सटेंस है उसका अगर हमें क्या करना है, फेस चेंज करना है, यानी कि वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट करना है, कंडेंसेशन अगर उसका करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, लैटेंट हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अब हम उस लैटेंट हीट को कैसे रिमूव करते हैं, हम क्या करेंगे, उस जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सैचुरेटेड वेपर है उस सैचुरेटेड वेपर को किसी कोल्ड सरफेस के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। और वो क्या करती है, उस कोल्ड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आके क्या करती है, अपनी हीट को रिमूव कर देती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होगा वो वेपर का ज़्यादा होगा जो कि कोल्ड सर्फेस में आके अपनी हीट को रिमूव कर देगा और क्या होगा, उसमें फेस चेंज हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि कंडेंसेशन इज़ अ कन्वेक्शन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड एंड इट अकर्स व्हेनेवर अ सैचुरेटेड वेपर कम्स इनटू अ कॉन्टेक्ट ऑफ कोल्ड सरफेस। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वेपर टू द सरफेस टेक्स प्लेस एंड द वेपर गेट कंडेंस्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो कंडेंसेशन होता है या जो लेटेंट हीट रिमूव होती है वो हमारी कितनी तरीके, वहाँ पे जो लेटेंट हीट रिमूव होती है वो हमारी दो तरीके से होती है। ओके, पहली होती है ड्रॉप वाइज, दूसरी होती है फिल्म वाइज। उससे पहले हम सैचुरेटेड वेपर किसे कहते हैं जान लेते हैं। सैचुरेटेड वेपर क्या होती है, जब हमारा जो लिक्विड होता है वो कम्प्लीटली हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हमारी वेपर फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड वेपर कहते हैं। ओके, नाउ हमारा प्रोसेस कंडेंसेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक ड्रॉप वाइज और एक फिल्म वाइज। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कैसे होता है हमारा, जब हमारी सैचुरेटेड लिक्विड जो होती है, सैचुरेटेड वेपर जो होता है, वो सैचुरेटेड वेपर जब हमारे कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, और हमारे ये जो कोल्ड सरफेस होना चाहिए जब वो क्या हो, रफ़ हो, कंटामिनेटेड हो। अगर ये रफ़ या कंटामिनेटेड सरफेस है हमारा, जब कोल्ड जो हमारी लिक्विड जो सैचुरेटेड वेपर होती है जब इसके कांटेक्ट में आती है तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती हैं और यहाँ पे अपनी हीट रिमूव कर देगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, अगर हम फिल्म वाइज कंडेंसेशन की बात करें तो फिल्म वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी सैचुरेटेड वेपर जो होती है इसके कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, यहाँ पे हीट का क्या होता है, लैटेंट हीट का रिमूवल होता है और ये जो होती है हमारी फिल्म फॉर्म कर देती है इसके सरफेस पे और इस सरफेस को वेट कर देती है। ओके, और एक फिल्म क्रिएट करने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन कहते हैं। आई होप आपको ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, फिल्म वाइज कंडेंसेशन की एक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसे हम लिखते हैं, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या है, इन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन द कंडेंसेट डज नॉट वेट द सरफेस। ये कंडेंसेट जो करेगा ना, इस सरफेस को वेट नहीं करता, ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देता है। डज नॉट वेट द सरफेस एंड कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स दीज ड्रॉपलेट्स ग्रो फ्रॉम अ वाइल। अब ये जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, ये थोड़ी ही देर बाद गिर जाती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लीविंग बिहाइंड द बेस मेटल सरफेस फॉर फर्दर कंडेंसेशन। ओके, नाउ फिल्म वाइज कंडेंसेशन पढ़ते हैं।
इन फिल्म वाइज कंडेंसेशन द कंडेंसेट लिक्विड वेट्स द सर्फेस. फिल्म वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है, जो कंडेंसेट लिक्विड होता है ना वो वेट कर देता है सर्फेस को एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस फिल्म, और एक कंटिन्यूअस फिल्म बना देता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होगा, यहाँ पे एक फिल्म बनेगी, फिर दोबारा जब यहाँ पे कंडेंसेट होगा तो ये फिल्म बन जाएगी. इस तरीके से क्या हो जाती है, एक फिल्म बनती जाती है. ऑन द सर्फेस थ्रू द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. अब यहाँ से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, दैट कंडेंसेट फ्लोज डाउन द सर्फेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. और थोड़ी देर बाद ये जो कंडेंसेट होती है क्या होती है, हमारी जो फिल्म होती है ये ग्रेविटी की वजह से हमारी नीचे गिर जाती है. अब हम बात करते हैं, अगर हम फिल्म वाइज कंडेंसेशन वर्टिकली वर्टिकल सरफेस में करें या फिर हम उसमें हॉरिजेंटल सरफेस में करें तो क्या होगा. अगर वर्टिकल सरफेस से करते हैं तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशियंट होता है HM इज इक्वल्स टू 0.943 ब्रैकेट रो स्क्वायर जी लैम्डा के क्यूब अपॉन म्यू एल डेल्टा टी एफ की पार 1/4. और हॉरिजेंटल ट्यूब के लिए जहाँ पे आउटसाइड डायमीटर जो होगी वो 0.72 डायमीटर जो होगी वो डी नॉट होगी, और यहाँ पे हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट जो होगा वो क्या होगा, HM यानी मीन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट जो होगा वो होगा 0.725 ब्रैकेट रो स्क्वायर जी लैम्डा के क्यूब अपॉन म्यू डी नॉट डेल्टा टी एफ की होल पावर 1/4. यहाँ पे जो HM है हमें पता है मीन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है, L हमारी जो भी हमारा ट्यूब होगा जिससे हमारा कंडेंसेशन हो रहा है उसकी क्या है, लेंथ है, और हमारा जो G है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो कि ग्रेविटी जिसकी वजह से हमारा जो फिल्म है या जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिर रही हैं, म्यू हमारी लिक्विड विस्कोसिटी है, और लैम्डा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है. ओके, के जो है हमारा यहाँ पे वो थर्मल कंडक्टिविटी है लिक्विड की, और जो डेल्टा टी एफ है ये हमारा क्या है, डेल्टा टी एफ जो है हमारा ये टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे फ्लूड यानी कि वो जो हमारी जो फिल्म बन रही है वो और मेटल के सरफेस के बीच में. नाउ अब हम बात करते हैं कि फिल्म वाइज कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस होता है. जैसे कि अभी हमने बताया था फिल्म वाइज में क्या होता है, ड्रॉप वाइज में क्या होता है, ड्रॉप वाइज में हमारी ड्रॉपलेट्स बनती हैं और फिल्म वाइज में हमारी एक फिल्म बन जाती है. ठीक है, अगर यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन रही हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, स्पेसेस हैं. स्पेसेस की वजह से क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है. ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफ़र कॉफिशियंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है. लेकिन अगर हम फिल्म वाइज की बात करें तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके एक फिल्म क्रिएट हो जाती है जो कि इसके सरफेस पे होती है. अब क्या होगा, यहाँ पे जब धीरे धीरे करके फिल्म क्रिएट होगी तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जो कि एक रेसिस्टेंस का काम करने लग जाती है थोड़ी देर के बाद, और वहाँ पे उतना हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता जितना एक्चुअली हमें चाहिए था या पहले जितना हो रहा था. यानी यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कॉफिशियंट, हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन. लेकिन होता क्या है कि जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है इसे हम ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते. ये क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद हमारी फ्लो होने लग जाती है ग्रेविटी की वजह से, ये जो ड्रॉपलेट्स होती है हमारी फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है. इसलिए हम क्या करते हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन इसे हम एक्चुअली इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि हम ऑप्टेन कर सकते हैं. ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को हम प्रैक्टिकली ऑप्टेन नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, कि कुछ ही टाइम तक होगी और उसके बाद ही क्या हो जाएंगी, हमारी फिल्म वाइज में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हमारे जो कंडेंसर हम यूज़ करते हैं उनको हम फिल्म वाइज कंडेंसेशन के ही कॉन्सेप्ट के बेस पर डिज़ाइन करते हैं. ओके, तो पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, एक तो ड्रॉपलेट्स बनती हैं इसमें फिल्म बनती है. दूसरा डिफरेंस हमने पढ़ा कि इसमें जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो ज़्यादा होता है, हीट ट्रांसफ़र कॉफिशियंट ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है. यहाँ पे हमने पढ़ा ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर होता है. ओके, नाउ ये इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, हमारी ऑयली ग्रीसी, यानी ड्रॉप वाइज में हम ऑयली या ग्रीसी कॉन्टामिनेटेड सरफेस का यूज़ करते हैं. लेकिन हमारी जो फिल्म वाइज कंडेंसेशन करने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं या जिस सरफेस का यूज़ करते हैं वो हमारी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और अनकॉन्टामिनेटेड होनी चाहिए. ठीक है, नाउ जो मैंने लिखा हुआ है दोनों का डिफरेंस, ड्रॉप वाइज कैसा होता है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आर वेरी हाई एज कम्पेयर्ड, हीट डज नॉट हैव टू फ्लो थ्रू आर फिल्म बाय कंडेंसेशन. ठीक है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट क्या होता है, ज़्यादा होता है क्योंकि फिल्म वाइज कंडेंसेशन से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. फिल्म वाइज हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट जो होता है रिलेटिवली बहुत ही कम होता है, हीट डज हैव टू फ्लो थ्रू द फिल्म बाय कंडेंसेशन.
ओके नाउ यहाँ पे जो सर्फेस होती है हमारी ऑयली एंड ग्रीसी सर्फेसेस होती हैं सीम टू टैन लोअर ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और स्मूथ क्लीन अनकॉन्टामिनेटेड सर्फेसेस सीम टू टैन फिल्म वाइज में. ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, मेंटेन, अनकॉमन एंड सो नॉट डिजायर इंडस्ट्रियली. इट इज ईजी ऑप्टेनेबल, इसे हम इजिली ऑप्टेन कर सकते हैं. स्टेबल, रिलायबल एंड सो डिजायर्ड इंडस्ट्रियली. लास्ट है हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एंड रेट आर वेरी हाई. इसका जो हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट होता है, रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है. फिल्म वाइज का हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट कम होता है और रेट भी कम होता है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंडेंसेशन क्या होता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, फिल्म वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है. सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.